गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टोरी उतनकास गुरु दक्षिणा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उतनका वाज एन ओबीडियंट स्टूडेंट डिसाइपल ऑफ हिज गुरु एंड व्हेन हिज एजुकेशन वाज अबाउट टू कंप्लीट ही वांटेड टू ऑफर गुरु दक्षिणा टू हिज गुरु। एज इन दोज डेज डिसाइपल्स लिव्ड विद देयर गुरुज इन देयर आश्रम एंड दे लिव देयर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन। व्हेन उतनकास एजुकेशन वॉज अबाउट टू कंप्लीट ही वॉन्टेड टू गिव गुरु दक्षिणा टू हिज गुरु। हिज गुरु द सेज ऋषि रिफ्यूज टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हिज डिसाइपल बट ही सेंट उतनका टू हिज वाइफ द मिस्ट्रेस ऑफ उतनका एंड टोल्ड उतनका दैट ही मस्ट गो टू हिज मिस्ट्रेस एंड वॉन्टेड टू नो हिज विश। एज उतनका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस ही वॉज वेरी सरप्राइज टू नो हिज हर डिमांड। सी वॉन्टेड सी विस्ट टू गेट द इयर रिंग्स ऑफ द क्वीन ऑफ द दैट किंगडम। ऑल्दो इट वॉज वेरी अनयूजुअल डिमांड ऑफ हिज मिस्ट्रेस बट उतनका वॉन्टेड टू फुलफिल हर डिमांड एट एनी कॉस्ट एंड द नेक्स्ट डे। हाँ यस, सी टोल्ड हर दैट सी हैड टू फुलफिल हर डिमांड विद इन 4 days। बोथ द स्पेन ऑफ टाइम वॉज शॉर्ट एंड द डिमांड वॉज वेरी डिफिकल्ट अनयूजल बट एज उतनका वॉज वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट ही सेट आउट फॉर द किंगडम टू गेट दोज इयर रिंग्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्लेस्ड हिमसेल्फ बिफोर द किंग। एज ड्यू टू लॉन्ग जर्नी ही वॉज इन सेबी कंडीशन, ही वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स एंड ही वॉज इन डर्टी कंडीशन। द किंग एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट वॉन्ट टू सेंड हिम टू हिज वाइफ द क्वीन बट आफ्टर हियरिंग हिज स्टोरी हिज विश ही द किंग एक्सेप्टेड हिज डिमांड एंड सेंट हिम टू द क्वीन। द क्वीन वॉज ऑल्सो ए जनरस लेडी। ऑन हिज रिक्वेस्ट सी प्रिपेयर टू गिव हिम हर इयर रिंग्स बट सी वॉरंड उतनका दैट दोज इयर रिंग्स वर कोवेटेड बाय द सर्पेंट किंग लॉन्ग अगो एंड ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। ही विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन केस द सर्पेंट किंग माइट स्टील दोज इयर रिंग्स और गेट दोज इयर रिंग्स और ही मे बी डिसीव्ड ऑन द वे। विद हियरिंग हर वार्निंग उतनका
started his return journey for the ashram. But on the way, as he was tired, he sat under a tree to take rest and fell asleep. When he was drowsing under the tree, a man came and took away those earrings, snatched away those earrings. And although Utanka followed him, ran after him, but within a few minutes, the man converted himself into a serpent and entered the hall. Utanka understood the whole story, that he was the very king serpent who wished to have those earrings. Meanwhile, as it was examination of Utanka, a man on horseback met Utanka and wanted to help him. He was god of rain. The man was god of rain and the horse was god of fire. And as he wanted to help Utanka, Utanka requested him to help him. And as a result of that, the god of rain began showering and lightning, and as a result of that, the hole became bigger and there became a ditch, a very big hole before Utanka. And Utanka entered inside that hall, and inside that hall he met other people. He met two maidens. Further, in that big hall he met two maidens who were weaving white and black threads. They were day and night. They were symbol of day and night. And after that, he saw six boys with a wheel with 12 spokes. The wheel was symbol of 12 months and six boys were symbol of six seasons. These things were revealed by Utanka's guru in the end of the story, but I am telling you in the mid of the story that the man on the horse, both were symbols of rain god and fire god. Similarly, two maidens were symbol of day and night. 12 spokes of the wheel were symbols of 12 months, and six boys were symbol of six seasons. And as Utanka was there in that big hall, the god of fire acted or showed his power, and he began to grow fire very fiercely, and as a result of that, the serpent king appeared before him and offered Utanka those earrings.
तो अप टू नाउ वी हैव रीड दैट उतनका हाउ डिड उतनका गेट दोज इयर रिंग्स और हाउ डिड ही गेट सक्सेस इन गेटिंग दोज इयर रिंग्स एंड आफ्टर गेटिंग दोज इयर रिंग्स विद द हेल्प ऑफ द गॉड्स ऑफ फायर एंड रेन उतनका रिटर्न टू हिज आश्रम ऑफ हिज गुरु एंड ऑफर्ड दोज इयर रिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस एंड बोथ मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर वेरी हैप्पी ऑन हिज ओबीडियंस ऑन हिज ट्रूथ. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट उतनका वॉज ए वेरी ओबीडियंट एंड ट्रूथफुल स्टूडेंट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ड्यू टू हिज गुड वर्च्यूज ही सक्सीडेड इन हिज मिशन. यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ए स्टूडेंट मस्ट हैव गुड वर्च्यूज लाइक ओबीडियंस ट्रूथफुलनेस एंड जनरस. ही मस्ट बी पोलाइट टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड गुरुज एल्डर्स. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ उतनका वट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही वॉज एंड हाउ डिड ही फुलफिल हिज द डिजायर ऑफ हिज मिस्ट्रेस द एंड नाउ यू हैव टू राइट एंड लर्न आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. वट वॉज विश ऑफ उतनकाज मिस्ट्रेस द विश सी वॉन्टेड टू हैव द इयर रिंग्स ऑफ द क्वीन द क्वीन. What did the man on the horse offer Utanka? The man on the horse was god of rain and he wanted to help. He offered to help Utanka in getting those earrings or he offered to help Utanka in his mission. वेयर डिड उतनका प्लेस द इयर रिंग्स. उतनका सेट डाउन अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट एंड ही प्लेस्ड द इयर रिंग्स बिसाइड हिम. हु टुक अवे द इयर रिंग्स द किंग ऑफ द सर्पेंट किंग. द सर्पेंट किंग टुक अवे द इयर रिंग्स. वाई वॉज उतनका फिल्ड विद सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस. उतनका फिल्ड विद सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस बिकॉज हर विश वॉज इम्पॉसिबल एज वेल एज द स्पेन ऑफ टाइम वॉज शॉर्ट. समय की अवधि भी बहुत है थोड़ी थी. सी प्रोवाइडेड हिम ओनली 4 days. What was the queen's wish? Advice to Utanka. Advice. Queen ki kya advice thi? The queen advised Utanka to beware of the servant king because she wanted to have those earrings earlier. Or you can say the queen advised Utanka to be careful of the serpent king who wanted to have those earrings earlier. How did the teacher interpret Utanka's various adventures? As I have already explained you that the teacher interpreted, important question hai, interpreted that the man
फर्स्ट ऑफ ऑल हु मेट उतनका ऑन द वे एंड प्रोवाइडेड हिम डर्टी वाटर दैट डर्टी वाटर वॉज सिंबल ऑफ नेक्टर दैट डर्टी वाटर वॉज सिंबल ऑफ नेक्टर अमृत एम्ब्रोजिया कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले अमृत दिया उस और अमृत देने के बाद आदमी सफल होता है। एंड द मैन वॉज रेन ऑफ गॉड एंड द हॉर्स वॉज रेन ऑफ फायर गॉड ऑफ फायर यस सॉरी द मैन वॉज गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज गॉड ऑफ फायर एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ गॉड ऑफ फायर He entered into that hall. He found two maidens. So the answer of the question is that the teacher interpreted Udanaka that the man, the dirty water was symbol of nectar. The man was symbol of rain of God, the horse was symbol of rain of fire, two maidens were symbol of day and night, 12 spikes of wheel were symbol of 12 months, six boys were symbol of six seasons. This is the answer of this question. So dear students, this is very interesting story and the moral of the story is that students we must have the virtues like Utanka, we must be very sincere, we must be very truthful, we must be very obedient towards our parents as well as teachers.